हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। ये एक नए तरह का वीडियो आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे। अमूमन पीछे जो भी क्वेश्चन मतलब हमने क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड किया है उसमें 11 क्वेश्चन होते थे और बाद में हम उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करते थे। आज 50 क्वेश्चन का हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बीपीएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर मिलेगा, एक्सप्लेनेशन इसका हम आपको अवेलेबल नहीं कराने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन के बाद हम आपके लिए आंसर रख देंगे ताकि आप 10 क्वेश्चन बनाने के बाद अपना मूल्यांकन कर सकें कि 10 में आपने कितना आंसर सही किया है। आने वाले दिनों में हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। ये जो पहला वीडियो है इस सीरीज का, ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बाकी विषयों का या फिर मीडियावल का या एंशियंट से और आधुनिक भारत से ऐसे सेट हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप अपना मूल्यांकन अवश्य कीजिएगा और बेहतर ये होगा कि वीडियो को देखने के साथ ही आप एक से लेकर के 50 तक एक नंबर लिख लें और फिर देखें कि आपने कितना सही किया है, तो आपको अपना मूल्यांकन करना थोड़ा सहज हो जाएगा और आप अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान दे सकते। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा नहीं थी, ऐसी जानकारी देता है चाणक्य, त्रिपिटक, मेगास्थनीज और तीनों। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लेक संस्कृति फ्लेक कल्चर शब्द किस काल के लिए प्रयुक्त होता है, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्राचीन नदी को हाइडस्पेस भी कहा जाता है, बिपाशा, वितस्ता, सुवास्तु या अस्किनी। बिपाशा मतलब व्यास, वितस्ता मतलब झेलम, सुवास्तु मतलब स्वात और अस्किनी मतलब चेनाब। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैदिक देवता वरुण के लिए प्रचलित नहीं है, डायोनिसस, ओर्नोज, ऋतस्य गोपा और अहूर मजदा। 5 नंबर, किस देवता को धौस मतलब आकाश एवं पृथ्वी का पुत्र कहा गया है, वरुण, इंद्र, शोम और अग्नि। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक यज्ञ को संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ किया गया विवाह कहलाता है, 8 प्रकार के विवाहों में से एक इसका आंसर है, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और ब्रह्म विवाह। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है, नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह प्रचलित थी, महिलाएं सभा एवं समिति में भाग लेती थी, गोत्र नामक संस्था का प्रादुर्भाव वास्तविक अर्थ में हुआ और डी उपरोक्त सभी कथन सही है। नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, मनका का कारखाना, मनका बनाने, मनका मतलब बिट्स, चानहुदड़ो और बनवाली, अग्निवेदियां, कालीबंगा, लोथल, चावल के साक्ष्य, लोथल और रंगपुर और डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, चित्रकला का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, लंगनाज से, बागौर से, आदमगढ़ से और भीम बेटका से। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक अनुष्ठान से संबंधित वेदांग है, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष। अब इसके बाद आपको 10 सवाल का जवाब मिलेगा। चलिए, उम्मीद है आपने अपना आंसर मिला लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित नहीं है, यह क्वेश्चन नंबर 11 है, पंच महाव्रत, 4 आर्य सत्य, स्यादवाद और डी ए और बी दोनों। नंबर 12, सुल्व सूत्र का संबंध है ज्यामिति से, खगोल विज्ञान से, व्याकरण से, चिकित्सा विज्ञान से। नंबर 13, रोमन शासकों की तरह कुषाण शासकों ने देवकुल बनाए थे, ये देवकुल क्या होता था, कुल देवता का मंदिर, मृत राजा की मूर्ति स्थापित करने का स्थान, देवताओं का समूह और सर्वशक्तिमान देवता का
मंदिर। 14 किस पुस्तक का लेखक मेरु तुंग थे? मत विलास प्रहसन, सोमदेव, प्रबंध चिंतामणि और नैषध चरित। क्वेश्चन नंबर 15 किस शासक को शुंगम विवर्त कहा गया है? राजराजा वन, कुलोतुंग वन, राजेंद्र वन और विक्रम चोल। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली की मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है? कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, कंपहेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 17 मंदसौर प्रशस्ति लिखने वाला वत्स भट्टी किस शासक के दरबारी थे? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और यशोवर्मन। नंबर 18 अजंता के किस गुफा को चित्रशाला भी कहा गया है? गुफा संख्या 1 और 2 को, गुफा संख्या 16 को, गुफा संख्या 17 को और गुफा संख्या 9 और 10 को। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नांकित में से किस पुस्तक के लेखक वराह मिहिर नहीं है? इसका मतलब कि बाकी 3 पुस्तक वराह मिहिर की लिखी हुई है, बृहत कथाकोश, योग माया, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। क्वेश्चन नंबर 20 अनंत शयनम एवं भैरवा कुंड के मंडप किस शैली के अंतर्गत आते हैं? ये पल्लव शैली से संबंधित क्वेश्चन है, महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। अब इसके बाद आप 11 से लेकर के 20 तक का अपना आंसर मिला सकते हैं, आंसर आपके सामने है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वातापी कुंड, कुंड का मतलब विजेता होता है, वातापी कुंड मतलब वातापी जीतने वाला, तो वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? महेंद्र वर्मन वन ने, नरसिंह वर्मन वन ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 22 वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में कौन एक अलग है? वेद, स्मृतियां, आरण्यक और उपनिषद। नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह भारत एवं रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र था? कावेरीपट्टनम, अरिकमेडु, मुजीरिस और कोरकई। क्वेश्चन नंबर 24 अजात शत्रु ने किसके विरुद्ध रथ मुशल एवं महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? कौशल, अवंती, काशी और वैशाली। क्वेश्चन नंबर 25 भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, उपाली, अनिरुद्ध एवं खंड सुमन किस महाजनपद से संबंधित थे? 16 महाजनपदों में से ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गांधार, कंबोज, मल्ल और अवंती। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा साहित्य अशोक एवं उसके पूर्वजों की जानकारी प्रस्तुत करता है? कथावत्थु, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है उसको देख लीजिएगा, कथावत्थु, महावंश एवं दीपवंश, अशोकावदान एवं दिव्यावदान और मंजूश्री मूलकल्प। नंबर 27 कौन एक सुमेलित नहीं है? तीर्थ, मौर्यकालीन प्रशासकीय विभाग, व्यवहारिक, धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय का प्रमुख, दौवारिक, राजधानी का प्रशासक और प्रशासता, राजकीय कागजात संभालने वाला। ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नंबर 28 मौर्य काल में चोरी, डाका एवं लूट का मामला क्या कहलाता था? वाक्पारुष्य, वार्ता, दंडपारुष्य और साहस। नंबर 29 सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशी की रचना किस भाषा में की थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और तमिल। नंबर 30 देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? शुंग वंश, कण्व वंश, हरियंक वंश और शिशुनाग वंश। और अब आपको 21 से लेकर के 30 तक का आंसर मिल जाएगा। आप अपना स्वमूल्यांकन कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट नंबर 31 श्रेष्ठि, गण, गणपति जैसे शब्द संबंधित हैं ऋग्वैदिक कालीन सेना से,
उत्तर वैदिककालीन सेना से, राजकीय अधिकारियों से और व्यापारिक संगठनों से। नंबर 32, किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं आंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, छांदोग्योपनिषद और ईशोपनिषद। नंबर 33, सुतनिपात, थेवी गाथा एवं जातक कथा किस ग्रंथ के भाग हैं? ये बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है। संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुतर निकाय और दिग्घ निकाय। नंबर 34, सातवाहन वंश की सबसे पहली जानकारी देता है ऐत्रेय ब्राह्मण, हाथी गुंफा अभिलेख, नानाघाट अभिलेख और वायु पुराण। नंबर 35, पश्चिम के मालिक एवं प्रतिष्ठान के मालिक की उपाधि किसकी थी? खारवेल की, गौतमीपुत्र सातकर्णी की, पुलकेसिन द्वितीय की या पुष्यमित्र शुंग की। नंबर 36, कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? सिंह, हाथी, भैंसा एवं वृषभ, बाघ, हाथी, भैंसा एवं गैंडा, सिंह, गैंडा, भैंसा एवं घोड़ा और वृषभ, भैंसा, हाथी एवं घोड़ा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ रखा है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सी बात सही है? गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, उनको अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी थी और डी, उन्होंने पशुपति को सम्मान देना प्रारंभ किया। नंबर 38, हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ कहाँ किया था? प्रयाग एवं थानेश्वर, थानेश्वर एवं वल्लभी, कन्नौज एवं प्रयाग और प्रयाग एवं वल्लभी। नंबर 39, किस ग्रंथ से बुद्ध के जीवन के आखिरी क्षणों की जानकारी मिलती है? सुतनिपात, महापरिनिबान सूत, अभिधम्म पिटक और जातक कथा। नंबर 40, किस राजवंश के प्रशासन में मंत्री परिषद को रहस्याधिकृत कहा जाता था? ऑप्शन है कुषाण, चोल, चालुक्य और पल्लव। अब आपको 31 से लेकर के 40 तक का आंसर देखने का मौका मिलेगा। चलिए अब आखिरी 10 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 41, हर्षवर्धन के समय मीमांसक कौन था? रात्रि महिला पहरेदार, संदेशवाहक, गुप्तचरों का प्रधान और न्यायाधीश। नंबर 42, रोम के साथ व्यापार में कमी एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि किस काल की विशेषता है? संगम काल, गुप्त काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। नंबर 43, कवि सुड्ढल ने किस पुस्तक में धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी कहा है? अवंती सुंदरी कथा, प्रश्नोत्तर मलिका, उदय सुंदरी कथा और आदि पुराण। नंबर 44, किस बौद्ध विद्वान को अतीसा भी कहा जाता है? असंग, संत रक्षित, दीपांकर और वसुबंधु। नंबर 45, निम्नांकित में से कौन एक आलवार संत नहीं थे? मणिकवासगर, तिरुमलिसाई, नमालवर और अंडाल। नंबर 46, किस जैन ग्रंथ में कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्यन सूत्र और इन तीनों में। नंबर 47, कोप्पम का युद्ध जो 1054 ईस्वी में हुआ था यह युद्ध किसके बीच या मध्य लड़ा गया था? वीर राजेंद्र एवं सोमेश्वर, राजाधिराज प्रथम एवं सोमेश्वर, धर्मपाल एवं ध्रुव और वत्सराज एवं धर्मपाल के बीच। नंबर 48, चंदेल पहले किसके सामंत हुआ करते थे? चौहानों के, प्रतिहारों के, पल्लवों के या फिर राष्ट्रकूट के। नंबर 49, गढ़वाल वंश के किस शासक की पत्नी कुमार देवी थी जो कि बौद्ध धर्म मानती थी?
चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जय चंद्र और विजय चंद्र, और इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको आंसर मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में चोलों का महत्वपूर्ण योगदान है, सुसंगठित केंद्रीय सरकार, सुनियोजित राजस्व व्यवस्था, बेहतरीन प्रांतीय शासन और संगठित स्थानीय शासन। आखिरी 10 का आंसर देखने से पहले एक बार हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि आप ये देखिए कि 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन के संदर्भ में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर दीजिए। धन्यवाद।